हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशु मोनो ब्लॉग में। तो अभी देखिए, यहाँ पर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज बनाऊँगी मैं पोहा। तो पोहा को निकाल ली हूँ और थोड़ा सा धोने के लिए रखी हुई हूँ गंजी में। और अभी मैं दूध लेने गई थी नीचे, उसके बाद यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो चाय पत्ती शक्कर वगैरह डाल दी हूँ और जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि श्रेयु काफ़ी मतलब तबीयत उसका ख़राब है ना, बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी तो सोया हुआ है, बट ये देखिए आ गया, सोया हुआ था और आ गया। अब उठ के जल्दी से और पाई करो बोल रहा है, क्योंकि ना उसकी उसको ना चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसको दस्त हो रहा है करके बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कल तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर वगैरह के पास गए थे उसको लेकर। तो दवाई वगैरह दिए हैं, फिर भी उसका अभी ठीक नहीं हुआ है। तो धीरे से होगा बोला है वो। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी, बट ना श्रेयु आ गया, तो फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए पूरा छोड़ दी। उसके बाद मैं उसको पकड़ी हुई थी, तो आधा एक घंटा हो गया था मेरे को पकड़े हुए। तो काफ़ी लेट हो गया था, तो बहुत जल्दी जल्दी मैं नाश्ता वगैरह बनाई और खा पी कर हम लोग रेडी हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लेकर आई हूँ, और ये तो चले गए हैं अपना शॉप, उनको दे दी थी टिफ़िन में भर के। तो और श्रेयु को मैं रो रहा था काफ़ी, तो फिर मैं नीचे छोड़ कर आई हूँ। नानी के साथ में अभी नहीं रहूँगा बोल रहा था वो, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा रो रहा था वो। मैं ना ऊपर में रखी थी अपने साथ में, फिर भी मेरे साथ में भी बहुत रो रहा था। तो मैं सोची कि नीचे लेकर जाती हूँ थोड़ा देर के लिए। तो वो ना नीचे देखा, घूमा थोड़ा सा, अच्छा लगा उसको। और फिर उसके दादा के पास मैं ना छोड़ कर आई हूँ, तो उसके दादाजी खिला रहे हैं नीचे में। तो फिर मैं थोड़ी देर रुकी हुई थी नीचे में, उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई और अपना काम कर रही हूँ। और मेरी मम्मी अभी उधर है और मैं अभी अपना काम में लग गई हूँ झाड़ू लगाने का। तो चलिए फटाफट से सारे घर को झाड़ू लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद मुझे पोछा भी करना है। काफ़ी गंदा हो गया है मेरा घर, क्योंकि पॉटी वगैरह कर रहा था ना श्रेयु, तो मतलब अब हर वक्त डाइपर पहना के नहीं रख सकती हूँ ना, तो काफ़ी मतलब गंदा भी हो गया था, कर रहा था तो पॉटी वगैरह। साफ तो कर रही थी, लेकिन फिर भी डेटॉल वगैरह से अच्छे से फिर मैं क्लीन करी उसको। तो डिटॉल डालकर फिर मैं पोछा वगैरह अभी मैं लगा रही हूँ। तो झाड़ू तो पूरा लग गया है, उसके बाद मैं तुरंत फटाफट से पोछा लगाने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि श्रेयु गया है नीचे। अगर वो आएगा तो फिर मुझे करने नहीं देगा काम, बोलेगा कि मुझे पाई करके बैठे रहो। तो मम्मी वहाँ पर कपड़ा वगैरह था, उसको तह लगा रही थी, तो लगा दी मम्मी। उसके बाद यहाँ पर मम्मी आई हैं और मैं बोली कि आप चलो बैठो आराम करो। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखिए हॉल का तो पूरा लग गया है, उसके बाद यहाँ पर रूम में आ गई हूँ और रूम का भी मैं झटपट से लगा लेती हूँ। कल ना हम लोगों की हालत ना बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि श्रेयु का हालत इतना ख़राब हो गया था ना, मतलब क्षण क्षण में वो पॉटी कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा हम लोग डर भी गए थे कि कैसे एकदम से ज़्यादा हो रहा है, उल्टी भी कर रहा था, पॉटी भी कर रहा था और तेज़ बुखार हो गया था। तो काफ़ी डर गए थे हम लोग, तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल गए। फिर भी बहुत टाइम लग गया था हॉस्पिटल में हम लोगों को। और अभी देखिए श्रेयु आ गया है। मैं ना झाड़ू पोछा लगाने के बाद कपड़ा धो रही थी, उसी टाइम ही ये आ गया था, क्योंकि उसको पोटी हो रहा था। तो फिर उसके बाद फिर मैं हाथ पैर धुलाई और उसके बाद मम्मी को बोली मालिश कर दो, मालिश की। उसके बाद नानी के साथ में वो टीवी लगा दी हूँ तो देख रहे हैं। तो अभी ये श्रेयांश को मैं मतलब नहलाई तो नहीं हूँ, हाथ पैर धुलाकर उसको मालिश वगैरह करके रेडी हो गया है और उसको खिला रही हूँ, बट ना खा नहीं रहा है वो। तो फिर भी जैसे तैसे मुश्किल से दो बिस्किट खिलाई हूँ और दवाई खिला के वहाँ पर लिटा दी हूँ। तो वो टीवी देख रहा है और उसकी नानी वहाँ पर है, उसको देख रही है। और मैं आ गई हूँ अब किचन में, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी खाना। तो काफ़ी लेट हो गया है आज मुझे खाना बनाने में, अभी मतलब 12:30 हो गया है। मतलब ना ये बाबू जो है ना रह नहीं रहा था किसी के साथ में, तो मैं ही पकड़ी हुई थी, तो इसके वजह से बहुत लेट हो गया है। तो चलिए अब मैं ना जल्दी जल्दी फटाफट से सभी चीज़ों को रख देती हूँ एक साथ और बनाती हूँ फिर खाना।
कल मैं ना डिसाइड नहीं कर पाई थी क्या सब्जी बनाऊंगी, तो कट करके भी नहीं रखी, क्योंकि कल तो हम लोग सिर्फ श्रेयु को ही देख रहे थे, मतलब और कोई चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे थे, ऐसा था। तो मैं अभी गई, देखी क्या बनाऊंगी, तो थोड़ा सा परवल है और आलू है, तो उसको मैं ला कर रखती हूँ, तो डुबा कर और आलू निकाली हूँ, तो परवल आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और अभी मैं चावल को धोने के लिए लगी हुई हूँ, और धोकर मैं उसको इंडक्शन पे बैठा देती हूँ, क्योंकि इधर मुझे सब्ज़ी कट करना रहेगा अभी, तो उसको मैं कट कर लेती हूँ और इधर चावल को बैठा देती हूँ, वो हो जाएगा। और आज मैं ना दाल नहीं बना रही हूँ, दाल है और बूंदी और कढ़ी बना रही हूँ, तो वो बना दूँगी और बन जाएगा परवल आलू की सब्ज़ी। और इधर मैं चावल रख दे रही हूँ, देखिए। तो चलिए अब फटाफट से कट करते हैं आलू और परवल को। तो देखिए यहाँ पर मैं कट कर ली हूँ परवल आलू को, और प्याज भी कट कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर गैस चालू कर रही हूँ, और बगल में जो है, जो जिसमें मैं खाना बनाती हूँ, वो गैस जो है चूल्हा वो नहीं चल रहा है, पता नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो मैं अब इस साइड वाले में बना रही हूँ, उसको अब हम लोग को बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही चलेगा। मुझे तो लगा था कि गैस ख़त्म हो गया था करके, तो मैं एक सिलेंडर मंगवा भी ली थी इनको मैं बोल के, बट ना फिर मैं दूसरा गैस स्टार्ट करी, कुछ किसी कारण से ही दूसरा गैस स्टार्ट करी ना, तो फिर वो अच्छे से जलने लग गया। तो फिर मैं सोची कि नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है करके, तो फिर इधर का गैस को बनवाना पड़ेगा। तो अब मैं इस इधर वाले में बना रही हूँ अब सब्जी को। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, और डाल दी हूँ उसमें थोड़ा सा जीरा, और प्याज और मिर्ची जो कट करी हूँ उसको रखी हूँ साइड में। और इधर मैं काम कर रही हूँ, जो कचड़ा है उसको डस्टबिन में डाल रही हूँ, काफ़ी फैला हुआ था वहाँ पर, तो क्योंकि फैला रहता है तो सामान भी ना अच्छे से रखते नहीं बनता है किसी भी चीज़ को। तो देखिए प्याज और मिर्ची को डाल दी हूँ, और उसके बाद मैं आलू को भिगो के रखी थी उसमें डालकर, तो वो भी हो गया है, धुल गया है मतलब अच्छे से। और परवल को तो पहले ही धो ली थी, तो डाल दी हूँ भूनने के लिए उसको, क्योंकि वो भूनने में थोड़ा टाइम लेगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा सब्जी बनाने में, भून कर बनाऊँगी तो उसको रख दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कढ़ी बनाने की तैयारी करने लग गई। तो उसमें मैं मिर्ची डालूँगी और कड़ी पत्ता है उसको डालूँगी, तो उसको तो कट कर ली हूँ मिर्ची को। और उसके बाद वहाँ पर देखिए छोटा वाला कढ़ाई को रख दी हूँ उस साइड में, क्योंकि इस साइड में तो बनेगा नहीं, उस साइड में रख दी हूँ। और प्याज मिर्ची को डाल दी हूँ मैं, और इधर जो दही है ना उसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, काफ़ी गाढ़ा था वो, एकदम ज़्यादा बहुत अच्छे से जमा था वो दही। तो उसमें देखिए अब मैं छौंका लगा रही हूँ उसको, तो सिर्फ अभी दही को मैं ही छौंका लगा रही हूँ, उसमें पानी वगैरह डाली हूँ थोड़ा सा अच्छे से देखिए, और मिक्स करके फिर से मैं पानी डाल दी हूँ उसमें। और यहाँ पर सब्ज़ी को भी मैं ना चम्मच चला रही हूँ, चिपक रहा है सब्ज़ी, कम आँच में रखी हूँ बट फिर भी चिपक रहा है, तो उसको अच्छे से चम्मच चला दी। और फिर यहाँ पर मैं लेने गई हूँ बेसन को, क्योंकि बेसन को घोल के नहीं रखी थी, तो अभी मैं बेसन को घोल के रखूँगी, मतलब फिर मैं डालूँगी, बेसन घोल लेती हूँ उसके बाद मैं डालूँगी उसमें, कढ़ी बना रही हूँ तो। और अब डाल रही हूँ उसमें नमक और हल्दी और धनिया पाउडर थोड़ा सा, और इधर मैं अच्छे से घोल रही हूँ, और उसके बाद डाल दी, अच्छे से घुल गया तो पानी डाली, अच्छे से उसको कटोरी को धो ली हूँ, क्योंकि बेसन चिपका हुआ था, दही भी था उसमें तो। और उसके बाद फिर मैं पानी डाल दी हूँ कढ़ी में, तो ऐसे भी थोड़ा ज़्यादा पानी डाले रहोगे तब जाकर वो अच्छे से, मतलब धीरे से वो कम हो ही जाता है ना, बूंदी डालूँगी तो वो तो सोख लेगा पानी, कम हो जाएगा। और इधर मैं रखी हूँ इंडक्शन पे चावल, उसको भी मैं अच्छे से चम्मच चलाई हूँ, और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी को भी अच्छे से चम्मच चला दी हूँ। और फिर मैं
बूंदी लेने के लिए गई थी पैकेट को, तो लेकर आ गई हूँ। उसके बाद मैं परवल आलू की सब्ज़ी में हल्दी मसाला और धनिया पाउडर वगैरह सब डाल रही हूँ, नमक भी डाल दी हूँ उसमें, अच्छे से पकेगा करके, और उसको फिर साइड रख दी हूँ। और फिर यहाँ पर देखिए कढ़ी को मैं देख रही हूँ क्योंकि उसको खौला रही हूँ अच्छे से, सिर्फ कढ़ी को अभी बूंदी नहीं डाली हूँ। और देखिए यहाँ पर पैकेट जो है उसको मैं कट कर रही हूँ और अब डाल रही हूँ बूंदी को, और बूंदी डाल दी हूँ। उसके बाद उसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ा टाइम तक, कम से कम 10-15 मिनट तक वो अच्छे से उबल जाए और उसमें मिक्स हो जाए बूंदी। उसके बाद फिर मैं उसको उतार दूँगी क्योंकि बस वो तो कम्प्लीट हो जाएगा। और उसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा धनिया, और इधर मैं कट करने के लिए रखी हुई हूँ टमाटर को, तो 3 टमाटर परवल आलू की सब्ज़ी में मुझे डालना है। तो और इसको मिक्स नहीं करी थी मैं, तो अच्छे से फिर मैं मिक्स कर दी हूँ। और यहाँ पर जो भाप उड़ रहा है वो चावल का है जो कि मैं इंडक्शन पे रखी हूँ। और देखिए यहाँ पर सब्ज़ी को मैं अच्छे से चला दी हूँ और मिक्स कर दी हूँ, और टमाटर को भी मैं कट कर ली थी, तो उसके बाद फिर मैं टमाटर को डालूंगी करके सोच रही थी, बट ना आलू अच्छे से पका नहीं था तो फिर मैं साइड में रख दी उसको। जब अच्छे से पक जाएगा तब फिर मैं उसमें डालूंगी। और अभी देखिए चावल को देख रही थी तो हो गया है चावल अब, तो चलिए अब इसको भी मैं फटाफट से पसा लेती हूँ। और अभी देखिए यहाँ पर मैं टमाटर डाल दी हूँ और उसको ढक दी हूँ, और कढ़ी मेरा जो है बूंदी कढ़ी वो बन के रेडी हो गया, तो उसको मैं उतार दी हूँ। ये देखिए यहाँ पर, और चावल तो हो ही गया है, और इसमें है उबला हुआ पानी मेरे श्रेयु के लिए, उसको रखी हुई हूँ। और श्रेयु को देखिए वहाँ पर टीवी देख रहा है बैठ के, और मेरी मम्मी जो है वो नहाने धोने के लिए गई हुई है अभी, और मैं अपना काम इधर जल्दी जल्दी कर रही हूँ। उसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर सब्जी को टमाटर क्योंकि डाल के फिर मैं मिक्स नहीं करी थी, अच्छे से पहले पक जाए उसके बाद करूँगी करके। और फिर यहाँ पर मैं धनिया निकाल रही हूँ और सब्जी में डालना है। बस सब्जी मेरा पक गया है, सब चीज़ तो डल गया है, पक गया है, और धनिया भी अब मैं डाल दी, कम्प्लीट हो गया है। थोड़ा देर के लिए कम आँच में और छोड़ दूंगी, उसके बाद वो हो जाएगा कंप्लीट, पक गया है वो। और अब ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है सब्जी पककर, अब इसको भी मैं बंद कर देती हूँ। और ये जो है यहाँ इधर का पूरा किचन का काम हो गया है मेरा, मतलब खाना बनाने बस का काम हुआ है अभी, तो उसके बाद अब मैं जा रही हूँ। काफ़ी लेट हो गया है तो मैं भी अब नहा धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आकर इधर बर्तन है उसको धोऊंगी, थोड़ा सा है बर्तन उसको धो दूंगी। तो इधर का हो गया है, अभी साफ सफाई हुआ नहीं है, मैं आके फिर करूंगी। आज मैं नहीं जाऊंगी शॉप क्योंकि श्रेयु का तबीयत ठीक नहीं है, तो ये केला लेकर जा रही हूँ, श्रेयु को खिलाऊंगी, वो खा लेगा। तो अब मम्मी आ गई है नहा धोकर, और अब मैं जा रही हूँ। केला खाएगा, खाएगा केला, खा ले, पैर से नहीं करते बेटा, भगवान जी खाएगा, मैं खिलाऊं, उठो, उठ के बैठोगे तब तो खाओगे जी। हाँ अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है इसको, नहीं तो देखो तो फिर से लेट गया, लेट कर नहीं खाते हैं बेटू। चलो मैं खिला देती हूँ केला, खिलाने के लिए देखिए मैं उसको बोल रही हूँ, मतलब खा लो करके, तो छिल के उसको खिलाऊंगी करके उठा रही हूँ, बट ना वो खाया नहीं, एक बाइट तो खाया उसके बाद वो निकाल भी दिया मुंह से बाहर, फिर मैं उसको नहीं खिलाई क्योंकि उसका मन नहीं था। तो